हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ चैप्टर माई सिली इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। माई मीन्स होता है मेरा और सिली मीन्स होता है मूर्ख और सिस्टर मीन्स बहन। तो ये जैसा कि चैप्टर का नाम दिया हुआ है कि माई सिली सिस्टर, मेरी सिस्टर जो है वो कैसी है, सिली, यानी माई सिली सिस्टर, मेरी सिली सिस्टर, मेरी मूर्ख बहन। गाइस, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मदर मदर योर बेबी इज सिली। मदर, आपका जो बच्चा है वो क्या है, सिली है, मूर्ख है। सी इज सो वेरी चाइल्डिश। चाइल्डिश होता है जो एक बच्चे की तरह, बहुत ही जो एक छोटे बच्चे की तरह बातें करती है, यानी उसका जब हम बिहेव देखते हैं तो बहुत ही अलग प्रकार का बिहेव वो करती है। सी डज नॉट नो, वो नहीं जानती द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स, की जो स्ट्रीट्स के अंदर जो लाइट्स होती है एंड ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार और जो स्ट्रीट लाइट होती है वो इनके डिफरेंस को भी नहीं जानती। किसके डिफरेंस को नहीं जानती वो, कि जो हमारी जो गलियों में स्ट्रीट होती है और जो आकाश में जो ब्राइट स्टार होती हैं वो इन दोनों के डिफरेंस को भी नहीं जानती। व्हेन वी प्ले, जब हम प्ले करते हैं, खेलते हैं विद पेबल्स, पेबल्स के साथ, पत्थर के साथ, थी सी थिंग्स, वो सोचती है दे आर रियली फूड, वो क्या है, उसके लिए क्या है, वो सोचती है कि ये एक रियली फूड है, वास्तविक खाना है। सी इवन ट्राइज टू पुट देम इन हर माउथ, वो उनको अपने मुंह में लेने की भी कोशिश करती है। किनको, वो पेबल्स जो पत्थर होते हैं जो खेलने में यूज करते हैं, तो वो गुड़िया जो है, सिली सिस्टर जो है, वो क्या करती है, उनको अपने मुंह में लेना की कोशिश करती है। When I open a book, जब मैं एक बुक को ओपन करता हूँ, बिफोर हर, उसके सामने, जब मैं पढ़ाने के लिए उसके सामने बुक को ओपन करता हूँ, एंड आस्क हर टू लर्न ए बी सी, और मैं उसको बोलता हूँ कि आप ए बी सी लर्न करो, वो क्या करती है, सी टीयर्स द पेजेस, टीयर्स होता है फाड़ना, वो पेज को फाड़ देती है विद हर हैंड्स, अपने हाथों से, एंड रोर विद जॉय एट नथिंग, और वो खुशी के साथ क्या करती है, दहाड़ मारती है, चिल्लाती है। दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स, ये इस तरह का जो व्यवहार है ये आपके बच्चे का काम करने का तरीका है। तो ये बात कौन कह रहा है, ये बात एक लड़का है और वो अपनी माँ से कह रहा है। सेकंड, व्हेन आई शेक माय हेड, शेक होता है हिलाना, जब मैं अपने सिर को हिलाता हूँ, एट हर इन एंगर, गुस्से में, एंड स्कोल्ड हर, डांटना हर उसको, जब मैं गुस्से से उसको डांटता हूँ या उस पर गुस्सा करता हूँ और उसको डांटता हूँ, और कॉल हर नॉटी, उसको शरारती कह के बुलाता हूँ, सी लाफ्स, वो क्या करती है, वह हंसती है, एंड थिंक्स ऑफ ग्रेट फन, और वो सोचती है कि ये तो बहुत बढ़िया मजाक कर रहा है। जब मैं गुस्से में उसको डांटता हूँ, उसको नॉटी कहता हूँ, तो वो क्या करती है, हंसती है और ये सोचती है कि बहुत ही बढ़िया मजाक चल रहा है। Everybody knows that, हर कोई ये जानता है, father is away, father जो है पापा जी वो कहीं दूर रहते हैं, but sometimes, कई बार I call out father playfully, मैं कई बार क्या करता हूँ, खेल खेल में उसको क्या बुलाता हूँ, father, she looks quickly, वो झट से क्या करती है, देखती है about her excitement and thinks that father is near me, तो जब खेल खेल में जब उसको मैं father कह के बुलाता हूँ तो वो क्या करती है, झट से देखती है जैसे कि फादर इज नियर, कि पापा जी यही हैं। इसलिए जो है इसके अंदर जो है सिस्टर को सिली कहा गया है कि वो किसी भी तरह की जो हाव भाव को वो नहीं समझती है। जब बच्चा उसको पढ़ाने की कोशिश करता है तो वो पेज फाड़ देती है, और जब बच्चा जो है उसको डांटता है तो वो ये सोचती है, हंसती रहती है और ये सोचती है उसका तो मजाक कर रहा है, और जब खेल खेल में वो जो है फादर फादर चिल्लाता है तो वो गुड़िया जो है क्या सोचती है, कि वो सोचती है कि पापा जी यही हैं, और वो खुशी के साथ, एक्साइटेड के साथ जो है इधर उधर फादर को देखती है। तो आगे देखें, समटाइम, कई बार, आई होल्ड ए क्लास विद द डोंकीज, आई होल्ड ए क्लास ऑफ डोंकीज, मैंने क्या किया कि डोंकीज जो है उनको जो है कई डोंकीज को जो है रोका या पकड़ा उनको, दैट आवर वॉशरमैन ब्रिंग्स, जो हमारा जो वॉशरमैन है वो लेके आता है, टू कैरी अवे डर्टी क्लॉथ्स, जो क्या लेके आता है, गंदे कपड़े, आई वॉर्न हर, मैं उसको वॉर्न देता हूँ
दैट कि आई एम द स्कूल मास्टर, मैं क्या हूँ, एक स्कूल का मास्टर हूँ, स्कूल का टीचर हूँ. एंड और दैट सी बेटर नोट मेक एनी नॉइज, और उसके लिए अच्छा होगा कि वो किसी तरह का शोर न करे. ओनली देन सी, सिर्फ वो तब कीप क्वाइट, वो क्या कहती है, चुप रहती है. आई इंस्टेड दैट सी कॉल्स फादर, आई इंस्टेड दैट, इंस्टेड दैट जोर देना, वो मुझे जोर देकर क्या कहती है, सी कॉल्स मी दादा, वो मुझे क्या कहती है, दादा कहती है. योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, आपकी बेबी जो है वो किसको पकड़ना चाहती है, मून को. सी इज रियली फनी, वो वास्तव में बहुत ही मजाकिया है. मदर योर बेबी सिली, माँ आपका बच्चा जो वो क्या है, सिली है, सी इज सो वेरी चाइल्डिश, वो बहुत ही क्या है, छोटे बच्चे की तरक्की करता है. सी इज वेरी चाइल्डिश, वो बहुत ही एक जो है मासूम सा बच्चा है. तो ये थी आज की पॉइंट माई सिली सिस्टर. और इसके जो टिक द करेक्ट क्वेश्चन हैं बी पार्ट और सी पार्ट, इसका हम आगे देखते हैं. ये इसके बी पार्ट के वर्ड मीनिंग हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं सारे, और उसके बाद में ये देखो आगे टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे ए बी और सी के रूप में तीन तरह के जो है आपको आंसर दिए गए हैं. आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि आपका आंसर ए से ही है, बी है या सी है. तो फर्स्ट देखते हैं, द बेबी सिस्टर इज वेरी, तो बेबी सिस्टर क्या है, वेरी क्या है, चाइल्डिश. तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट है. सी कंसिडर्स पेबल्स एज ए रियल फूड, वो किसको सही, किसको खाना मानती है, वो पत्थरों को खाना मानती है, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको खाती है. सी डैश द पेज ऑफ द बुक, वो क्या करती है, बुक के पेज को भी फाड़ देती है, टीयर्स. आगे द स्पीकर इंस्टेड दैट सी सिस्टर इज कॉलिंग, उसकी जो स्पीकर क्या कहते हैं कि वो मुझे क्या कह के बुलाती है, दादा. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं इसके, फर्स्ट जो है कंप्लीट द सेंटेंसेस फॉर्म चैप्टर, चैप्टर के अकॉर्डिंग आपने जो सेंटेंसेस है जहाँ से मैंने ये कलर्ड में राइट किए हैं उससे आगे का आंसर है. तो जैसे द बेबी सिस्टर, द बेबी सिस्टर डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन, बेबी सिस्टर जो डिफरेंस नहीं जानती किसके बीच में, द लाइट्स इन स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार, जो ब्राइट स्टार है और लाइट स्ट्रीट जो है इनके बारे में वो डिफरेंस को नहीं जानती है. उसके बाद आगे सी लाफ्स वंसती है, थिंक्स इट इज ग्रेट फन व्हेन द स्पीकर शेक हिज हेड, जब अपने सिर को लाता है तो वो सोचती है कि ये बहुत ही अच्छा मजाक कर रहा है. थर्ड सी थिंक्स फादर इज नियर व्हेन द स्पीकर, तो वो सोचती है क्या कि द कॉल आउट फादर प्लेफुली, जब वो सोचती है कि पापा जी यही हैं. द वॉशरमैन ब्रिंग्स द डोंकीज, वॉशरमैन जो है डोंकीज को लेके आता है टू कैरी अवे द डर्टी क्लॉथ्स. उसके बाद में फिर द स्पीकर वॉर्न्स द बेबी सिस्टर, स्पीकर है वो बेबी सिस्टर को वॉर्न देता है दैट कि आई एम द स्कूल मास्टर, वो क्या कहता है कि मैं आपके स्कूल का टीचर हूँ. ये तो थे आपके पार्ट बी. उसके बाद हम देखते हैं आगे पार्ट सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु इज द स्पीकर ऑफ द स्टोरी, इसका जो स्टोरी का स्पीकर कौन है, वो है एक बेबी, तो बेबी इज द स्पीकर ऑफ द स्टोरी, होम इज ही स्पीकिंग, वो किससे बात कर रहा है, वो अपनी माता जी से बात कर रहा है. सेकेंड व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन द ब्रदर, जब भाई एंड हिज सिस्टर प्ले विद द पेबल्स, जब वो खेल जो पेबल्स होते हैं उनके साथ वो खेलती है तो क्या होता है, सी ट्राइज, वो ट्राई करती है टू पुट देम इन हर माउथ, वो उनको जो अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है. तो गाइस ये इसके टू क्वेश्चंस हैं, पढ़ करनी है आपको, और जो लेसन्स है उसकी आपने दो से तीन बार जो है इंग्लिश टू इंग्लिश जो है इसकी अच्छी तरह से अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ में रीडिंग करनी है. और मैं सभी पेरेंट्स से एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हमारे स्कूल का कोई भी वीडियो जो आपके बच्चे की स्टडी से रिलेटेड है वो बहुत ही बच्चे के लिए बहुत ही लाभकारी हो, और सबसे पहले जो है उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी पेरेंट्स तक पहुँच जाए.
दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक्स